हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। ये आम का पेड़ मेरे लान में लगा हुआ है। तीन पेड़ मैं आम का लगाई हूँ। खाने के काम में भी आता है और अचार डालने के भी काम में आता है। उसी से ये अचार मैं बनाकर तैयार की हूँ। और इस समय ताजे ताजे आम का अचार बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए अब अचार बनाना हम लोग शुरू करें। आम को तोड़ने के बाद उसे खूब साफ धुल लिया जाएगा और धुलने के बाद उसे हमें एक सूती कपड़े पर धूप में थोड़ी देर के लिए पानी सुखा लेना है। ताजे आम को काटने में बहुत आसानी रहती है और अचार तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाए। आम को छोटे टुकड़े में काटने से मसाला बहुत अच्छा भिनता है और खाने में नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि बड़ा पीस रहता है तो आधा खाया जाता है आधा छोड़ दिया जाता है। अब आम को छोटे पीस में मैंने काट लिया है और इसे अब सूती कपड़े पर एक घंटा के लिए धूप में सुखा लेंगे, जिससे आम का पानी जो है वो भी सूख जाए। यदि धूप न मिले तो उसे आप छाए में पंखे में डाल दीजिए और एक घंटा पंखे में रखिए। आम का पानी थोड़ा सूख जाएगा। देखिए इसका कलर भी बदल गया है धूप लगने से। और अब इसे हम उठाकर छाए में ले आकर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब देखिए ये आम में कितना अच्छा लग रहा है और इसका पानी सब सूख गया है। और इसको अब हम मसाले की तैयारी अब शुरू करेंगे। दो चम्मच सौंफ है और दो चम्मच धनिया है, एक चम्मच मेथी है, एक चम्मच जीरा है और एक चम्मच गोल काली मिर्च है और हींग है। ये मसाला जिसमें हमें धनिया सौंफ मेथी भुनना है और जीरा को भी भून लेना है और दरदरा हमें मिक्सी में चलाकर पीस लेना है। अब बाकी मसाले को हम ऊपर से डालेंगे और काली मिर्च को भी डाल देंगे उसी के साथ। ये हींग है तो हींग अचार में तो डालना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये हल्दी पाउडर है। पीले सरसों को जब मसाला भुन जाए तो मसाले के साथ पीस लिया जाएगा। और ये राई है, बनारसी राई, इसको तो खड़ा ही डाल दिया जाएगा। अब आम को बड़े बर्तन में थाली में पलट दिया जाएगा और उसके बाद उसमें सभी सामग्री को हमें मिलाना है। इसलिए बड़े बर्तन में आसानी से सब अचार का सामान मिल जाता है। अब बड़े चम्मच से दो चम्मच नमक इसमें डाल दिया जाएगा। अब बड़े चम्मच से हल्दी पाउडर एक चम्मच इसमें डाल दिया जाएगा। अचार पीला पीला अच्छा लगता है देखने में। पिसा हुआ हींग एक चम्मच डाल दीजिए। हींग से अचार टेस्टी बनता है। अब अचार को ऊपर नीचे करके चला दीजिए। नमक हल्दी हींग सब मिल जाएगा इसमें। अब लाल मिर्चा पाउडर एक बड़े चम्मच से इसमें डाल दिया जाएगा कि अचार में थोड़ा तीखापन रहता है तभी अचार अच्छा लगता है। अब बाकी पिसे हुए मसाले को भी इसमें डाल करके और बराबर से चला दिया जाएगा। अब देसी चना 10 से 15 इसमें डाल दिया जाएगा। चना इसी मसाले में फूलकर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। अब बनारसी राई इसमें हम खड़ा ही डाल देंगे। अब एक चम्मच अजवाइन डाल दिया जाएगा, एक चम्मच मंगरेल अचार में डालकर चलाया जाएगा इसको। अब रात भर के लिए ढक्कन से ढककर अचार को रख दिया जाएगा तो मसाला भी भीग जाएगा और थोड़ा पानी भी छोड़ देगा अचार। सुबह आधे घंटे के लिए ढक्कन खोलकर इसे धूप में कपड़े से ढककर रख दिया जाएगा।
अब चार बड़े लहसुन को छीलकर रख लिया जाएगा और उसे खलबट्टे में थोड़ा थोड़ा दबा दबा कर हल्का हल्का उसको कूट लिया जाएगा। उससे अचार खूब बढ़िया लगता है, वो टेस्टी बनता है। अब कढ़ाई को गर्म करने के बाद 250 ग्राम तेल कढ़ाई में डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें थोड़ी बनारसी राई का तड़का दिया जाएगा। अब कूटे हुए लहसुन को उस गर्म तेल में डालकर चलाया जाएगा। एक चम्मच हल्दी पाउडर पड़ेगा और कश्मीरी मिर्च एक चम्मच डाल दिया जाएगा कलर के लिए। अब डालकर लहसुन का पानी थोड़ा सूख जाए बस उतना ही देर हमें भूनना है। अब गैस को बंद करके जब लहसुन ठंडा हो जाए तब उसमें आम का अचार धीरे धीरे सब डाल दिया जाएगा और डालने के बाद बराबर से उसको चलाया जाएगा। देखिए अचार कितना सुंदर, कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया। इसे आप लोग 2 दिन बाद खाना शुरू कर दीजिए और कभी कभी बर्तन के मुंह पर कपड़ा बांधकर धूप दिखा दीजिए। अचार को जब भी निकालें तो सूखे चम्मच से निकालें। ये अचार यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।